Hello, welcome to GS Quick Learning. The topic is dividend season. So let's discuss. So dividend season is a one of the crucial decision made by the finance manager relating to the payouts to the shareholder. डिविडेंड डिसीजन जो होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, जो किससे कौन लेता है, फाइनेंस मैनेजर लेता है कि उतने जो उसने जो शेयर होल्डर हैं उतने उनको कितना पे आउट करना है, इट मीन्स उनको कितना डिविडेंड देना है. क्लियर? वो डिसीजन होता है डिविडेंड डिसीजन. सो द पे आउट इज ए प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग पर शेयर गिविंग टू शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनको जो एज ए अर्निंग पर शेयर उनके शेयर के ऊपर, एक शेयर के ऊपर जो भी उनको अर्निंग्स दी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं. सो इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होता है, जो होल्ड करता है शेयर्स ऑफ अ कंपनी, जिसने कंपनी के शेयर को परचेज किया होता है उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर. और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है एज ए उनकी रिटर्न. क्लियर? और जो अर्निंग पर शेयर होती है, जो पे आउट की जाती है, जितने शेयर उसने नंबर ऑफ शेयर होल्ड किए होते हैं शेयर होल्डर के, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है शेयर डिविडेंड होता है वो दिया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है. क्लियर? तो ये होता है डिविडेंड डिसीजन, किसके साथ रिलेटेड होता है कि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड पे करना है. क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है द कंपनी कैन, जो डिविडेंड डिसीजन होता है ना ये कौन लेता है, फाइनेंस मैनेजर. इसमें वो टू टाइप के होते हैं डिसीजन, या तो वो क्या करे, रिटेन अर्निंग कर ले, या फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दे. रिटेन अर्निंग का मतलब होता है कि कंपनी जब जो रिटर्न मिलती है, जो प्रॉफिट मिलता है उसके शेयर्स पर, वो अपने पास ही रिटेन कर रख लेती है, अपने पास ही रख लेती है, सो दैट कि उसको उस प्रॉफिट को कहीं और इन्वेस्टमेंट किया जाए और उससे भी बेनिफिट लिया जा सके. जहां तो फिर कंपनी के पास ऑप्शन होती है कि वो डिविडेंड जो है शेयर होल्डर को पे कर दे. क्लियर? सो टू ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास. द कंपनी कैन पे एदर डिविडेंड टू शेयर होल्डर और रिटेन द अर्निंग विद इन द फर्म. सो कहते हैं कि कंपनी या तो फिर डिविडेंड पे कर दे शेयर होल्डर को, या फिर रिटेन कर रखे फर्म के पास ही. सो जो अमाउंट है शेयर होल्डर को पे की जाती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं. क्लियर? ओके. सो द डिविडेंड आर द प्रपोर्शन ऑफ रेवेन्यू पेड टू द शेयर होल्डर. सो जैसे कि डिविडेंड क्या है, रेवेन्यू जो भी होता है शेयर्स के ऊपर उसका कोई प्रपोर्शन होता है जो पेड किया जाता है शेयर होल्डर को. क्लियर? द अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग ऑफ द फर्म एंड इज डिसाइडेड बाई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सो कहते हैं कि जो अमाउंट होती है ना डिविडेंड की, क्योंकि कितना डिविडेंड जो है शेयर होल्डर को पे किया जाएगा उसकी कहाँ पर डिपेंड करती है, अर्निंग ऑन द फर्म. जितना कंपनी जो होती है, फर्म होती है जो अर्न करती है उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है. क्लियर? और जो कौन डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड पे किया जाएगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं. क्लियर? अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड. सो कौन कौन से टाइप्स होते हैं डिविडेंड की, डिविडेंड कितने तरह का होता है. हमारे पास होता है कैश डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड, बॉन्ड्स डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड एंड प्रॉपर्टी डिविडेंड एंड लिक्विडिटी डिविडेंड. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस हियर. फर्स्ट हमारे पास आता है कैश डिविडेंड. कैश डिविडेंड क्या होगा, नाम से पता चल रहा है जो डिविडेंड कैश में पे किया जाएगा. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिविडेंड पेड इन कैश. द शेयर होल्डर अनाउंस द अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. देन ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्ड द अमाउंट इज असाइन टू शेयर होल्डर एंड फाइनली द पेमेंट आर मेड डेट ऑफ पेमेंट. सो कहते हैं कि डिक्लेरेशन की डेट जो होती है वहाँ पर क्या किया जाता है, शेयर होल्डर कितना अनाउंस किया जाता है कि कितना उनको मिलेगा. क्लियर? कि और डेट ऑफ रिकॉर्ड के ऊपर पेमेंट बताई जाती है और डेट ऑफ पेमेंट के ऊपर उनको पेमेंट की जाती है. द कंपनी शुड हैव एन
एडिक्यूट रिटेन अर्निंग एंड इनफ कैश बैलेंस टू पे शेयर होल्डर। सो कहते हैं कि कंपनी के पास एडिक्यूट रिटेन अर्निंग होनी चाहिए सो दैट कि और इनफ कैश होना चाहिए सो दैट कि वो शेयर होल्डर को कैश में जो है डिविडेंड पे कर सके। सो सिंपली कैश डिविडेंड क्या होता है, जब जो कंपनी होती है अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड किन में किस कैसे देती है, कैश में देती है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास सेकेंड जो टाइप है वो है स्क्रिप डिविडेंड। सो ये क्या है, अंडर द फॉर्म आ कंपनी इशू द ट्रांसफरेबल प्रोमिसरी नोट्स टू शेयर होल्डर वेयर इन इट्स कंफर्म द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन द फ्यूचर डेट। स्क्रिप डिविडेंड में कंपनी स्क्रिप इशू करती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोमिसरी नोट कहते हैं, जो ट्रांसफरेबल होते हैं। क्लियर। सो वो क्या करते हैं, वो जिससे क्या फायदा होता है, कंपनी फ्यूचर डेट्स में अपना डिविडेंड जो है ले सकती है, सॉरी शेयर होल्डर पेमेंट अपनी फ्यूचर डेट्स में ले सकते हैं प्रोमिसरी नोट से। प्रोमिसरी नोट क्या, एक सिंपली नोट होता है जिसे प्रॉमिस किया होता है कि आपको इतनी डेट पर, एक स्पेसिफिक डेट पर स्पेसिफिक अमाउंट आपको मिलेगी। तो वो जब शेयर होल्डर को इश्यू किया जाता है एज ए डिविडेंड, उसको हम कहते हैं स्क्रिप डिविडेंड। क्लियर। स्क्रिप डिविडेंड हैज़ शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी पीरियड एंड मे और मे नॉट बियर एनी इंटरेस्ट। सो जो प्रोमिसरी नोट होते हैं उसके शॉर्ट पीरियड होता है, इट मीन्स वो लॉन्ग टाइम नहीं होते, शॉर्ट टाइम सिक्योरिटी होती है वो दी जाती है और उस पर इंटरेस्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है उस पर लगा। क्लियर। दिस टाइप ऑफ डिविडेंड आर इशू व्हेन अ कंपनी डज नॉट हैव एनी लिक्विडिटी एंड रिक्वायर सम टाइम टू कन्वर्ट। सो जे कब इशू किया जाता है, जब कंपनी का पास इनफ कैश नहीं होता, इनफ लिक्विडिटी नहीं होती एज सिंपली उसको कैश में पे करने के लिए, तो तब कंपनी क्या करती है, डिविडेंड को कैसे डिक्लेयर करती है, प्रोमिसरी नोट को इशू कर स्क्रिप को इशू कर। क्लियर। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ रहा है बॉन्ड डिविडेंड। ये डिविडेंड क्या है, द बॉन्ड डिविडेंड आर सिमिलर टू स्क्रिप डिविडेंड। ये सिमिलर होता है स्क्रिप, उसमें क्या था, प्रोमिसरी नोट इशू करना, स्क्रिप्स इशू करना, इसमें क्या होगा फिर बॉन्ड्स इशू करने, बट द ओनली डिफरेंस दैट इज कैरी लॉन्गर मेच्योर, बिकॉज जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड होता है उनका, वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होते हैं। क्लियर। सो इसके लिए इनका और इन पे जो है इंटरेस्ट भी लगता है। सो ये कहते हैं कि सिमिलर होता है स्क्रिप डिविडेंड जैसा, बट द डिफरेंस इसमें ये है कि ये लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड होता है इसका बॉन्ड डिविडेंड का, और इस पर जो है इंटरेस्ट लगता है। क्लियर। उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है स्टॉक डिविडेंड एंड बोनस शेयर। सो दीज टाइप्स ऑफ डिविडेंड आर इशू व्हेन अ कंपनी लैक्स ऑपरेटिंग कैश बट स्टिल इशू द कॉमन स्टॉक टू शेयर होल्डर टू कीप दैम हैप्पी। सो कहते हैं कि जब ये तब दिया जाता है शेयर होल्डर को जब कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश होता है ना वो कम होता है, बट फिर भी कंपनी जो है डिविडेंड देना चाहती है तो वो क्या करती है, उसके पास स्टॉक होता है ओके, और वो कंपनी को क्या कर देती है, इशू कर देती है सो दैट कि उनको लगे ना कि मुझे जो है डिविडेंड नहीं दिया गया, उनको खुश करने के लिए कॉमन स्टॉक जो होता है वो इशू कर दिया जाता है। द शेयर होल्डर गेट द एडिशनल शेयर्स इन प्रोपोर्शन। स्टॉक का क्या मतलब है यहाँ पर, स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स। क्या करती है जो कंपनी होती है शेयर होल्डर को एडिशनल शेयर जो है वो प्रोवाइड कर देती है एज ए डिविडेंड, कुछ शेयर दे देना एज ए डिविडेंड, सो उसको हम कहते हैं स्टॉक डिविडेंड ऑन द बोनस शेयर। द शेयर होल्डर गेट एडिशनल शेयर, उनको क्या एडिशनल शेयर्स मिल जाते हैं इन प्रोपोर्शन ऑलरेडी हेल्ड बाय देम, जो उनके पास पहले होते हैं और उसके पास और कुछ एज ए डिविडेंड मिल जाता है, एंड दे डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा, उनको कोई भी जो है पे नहीं करना पड़ता पैसा। क्लियर। एज ए डिविडेंड उनको बोनस शेयर मिल जाते हैं। डिस्पाइट इंक्रीज इन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑफ द शेयर ऑफ द फर्म द इशू ऑफ बोनस शेयर है फेवरेबल साइकोलॉजिकल अफेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। सो इसके लिए उनको ना तो पैसा पे करना पड़ता है क्योंकि बिकॉज वो डिविडेंड एज ए डिविडेंड मिले होते हैं जो शेयर होते हैं बोनस शेयर होते हैं। सो इससे तो क्या अफेक्ट पड़ता है कि जो शेयर होल्डर को लगता है कि मुझे जो है ज़्यादा मेरे पास शेयर हो गए और उस पर नेक्स्ट टाइम जो ज़्यादा रिटर्न आएगी। क्लियर। उसके बाद हमारा डिविडेंड के टाइप्स हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड। दीज डिविडेंड आर पेड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी रैदर देन इन कैश। सो सिंपली क्या है, जब डिविडेंड जो हो वो पे किया जाए इन प्रॉपर्टी फॉर्म में ना कि कैश की फॉर्म में। इन केस अ कंपनी लैक्स ऑपरेटिंग कैश देन नॉन मॉनेटरी डिविडेंड आर पेड टू द इन्वेस्टर।
द प्रॉपर्टी डिविडेंड्स कैन बी इन अदर एनी फॉर्म इन्वेंट्री एसेट व्हीकल्स रियल इस्टेट एक्सेट्रा। सो कहते हैं कि जब कंपनी के पास कैश की लिक्विडेशन की कमी होती है तो कंपनी नॉन मोनिटरी डिविडेंड पे करती है। नॉन मोनिटरी जैसे कि कुछ कोई एसेट दे दी कंपनी ने शेयर होल्डर को, कोई इन्वेंट्री दे दी, कोई व्हीकल्स दे दिया, कोई रियल इस्टेट कुछ भी दे दिया, प्रॉपर्टी जो दे दी कंपनी की, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड। क्लियर। द कंपनीज रिकॉर्ड द प्रॉपर्टी गिवन एज अ डिविडेंड। सो कंपनी क्या जो प्रॉपर्टी जो देती है उसको क्या रिकॉर्ड करती है एज अ डिविडेंड एट अ फेयर मार्केट वैल्यू एंड इट मे बी वेरी फ्रॉम बुक वैल्यू एंड द डिफरेंस इज अ गेन और लॉस। सो सिंपली आप इसमें कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या होगा, जब कंपनी के पास कैश नहीं होता, कम होता है, तो वो नॉन मोनेटरी डिविडेंड देती है। नॉन मोनेटरी में वो क्या देगी, इन्वेंट्री एसेट व्हीकल्स कुछ भी दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड। क्लियर। उसके बाद हमारे पास लास्ट है जो लिक्विडेटिंग डिविडेंड। ये क्या है, व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड टू पे बैक द ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द इक्विटी शेयर एज डिविडेंड इज कॉल्ड लिक्विडेटिंग डिविडेंड। सो कहते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, जो उन्होंने एक्चुअली कंट्रीब्यूट किया होता है शेयर को परचेज करने के लिए, जब उनको वही जो पे कर दिया जाता है बैक, उसको हम कहते हैं लिक्विडेटिंग डिविडेंड। दीज आर यूजली पेड एट द टाइम जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है ना, इट मीन्स कि कंपनी बंद होती है, उनके ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं, बंद होती है, उस टाइम कंपनी का जो फाइनल क्लोजर होता है उसके टाइम वो क्या करती है, जो कंट्रीब्यूटर की होती है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उन्होंने जो ओरिजिनल अमाउंट पे की होती है शेयर को बाय करने के लिए, वही उनको बैक कर दी जाती है, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी डिविडेंड। क्लियर। उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी डिविडेंड। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।